नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि मैंने किस प्रकार से कंपटीशन तैयारी की थी और मेरा क्या संघर्ष रहा पूरा। तो मेरा संघर्ष मेरी कहानी के रूप में मैं अपने अनुभव आपके सामने साझा करूंगा। तो मेरी कहानी शुरू करने से पहले, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मेरे जो भी वीडियो हो वो आप तक तुरंत अपलोड करते ही पहुँच जाए। तो शुरू करते मेरा संघर्ष मेरी कहानी। मैं बेसिकली जालौर जिले में सायला उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत ओटवाला गांव का निवासी हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन ओटवाला में ही हुई थी और पांचवी के बाद मैंने छठी से बारहवीं तक निकटवर्ती उमेदाबाद में पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने जालौर कॉलेज से की थी। साथ साथ बताता चलूँ कि मेरे टेंथ में 40%, 12th में 53% और मेरी ग्रेजुएशन 51% से हुई थी। मैं इसका कारण बताना चाहूँगा कि जब स्कूलिंग में था तब मेरा पूरा फोकस केवल क्रिकेट पे था। मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने के कारण मैं पढ़ाई पे ढंग से फोकस नहीं कर पाया और परसेंटेज मेरे बने नहीं थे। अब 2006 में मैंने PTET का एग्जाम दिया। जब ग्रेजुएशन हो गई तो ग्रेजुएशन खत्म होते ही 90 दिन PTET का एग्जाम था, जो मैंने पर्सनल खुद की तैयारी से किया था, पर उसमें फाइनल सिलेक्शन मेरा होता नहीं है। और जब सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे सामने रास्ते एक प्रकार से बंद से हो जाते हैं। और चूंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ यानी पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर हमारा जो मारवाड़ बेल्ट जालौर पाली सिरोही है, तो वहाँ हमारे में प्रवृत्ति है बाहर राज्य में कमाने जाने की, जिसको हमारे वहाँ देशावर जाना कहते हैं। तो मैं भी उसी ट्रैक पर एक बार बाहर की तरफ रुक करता हूँ। मेरे चाचा जी केरल में थे तो मैं केरल गया, वहाँ महीना भर रुका और उसी दौरान किसी संयोगवश मुझे चेन्नई मेरे जीजाजी के वहाँ जाना पड़ा। उनकी वहाँ पर फैंसी की दुकान है, तो मैं वहाँ पर 6 से 6.5 महीने तक मैंने वहाँ फैंसी की दुकान पर काम किया। पर यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि इस काम के साथ साथ मेरी आगे पढ़ने की जो ललक है वो ख़त्म नहीं हुई थी, तो इसी कारण से मैंने उस समय किताबों को मंगवा करके और वहीं पर काम के साथ साथ तैयारी शुरू कर दी। वहाँ जो मेरा काम था वो सुबह 8 से लगाकर रात में 11 बजे तक कंटिन्यू रहता था। तो इसके बावजूद भी मैं 11 बजे जाकर सोता और सुबह 4-5 बजे उठ करके घंटा 2 घंटा दिल्ली का पढ़ता था। और नीचे जहाँ एक राजस्थान पत्रिका हिंदी अखबार, चूँकि वो तमिलनाडु में था तो वहाँ पर हिंदी अखबार नहीं मिलते थे, तो वहाँ नीचे एक फ्लैट में अंकल जी के वहाँ पर राजस्थान पत्रिका आता था, तो वो मैं सुबह 7 बजे जाकर के जल्दी तैयार होकर के दुकान जाने से पहले वहाँ जाकर के उस अखबार को अच्छे से पढ़ लेता था और उसमें से जो कंपटीशन के हिसाब से तथ्य होते थे उनको मैं मार्क कर देता था। फिर संडे को हम जब 4 बजे फ्री हो जाते थे तो उस दिन मैं उन अखबार को, पूरे सप्ताह के अखबार को लाकर के घर पे और एक बुक में पूरे नोट्स तैयार करता था करंट जीके के लिए। तो इस प्रकार मैंने 6-7 महीने वहाँ पर काम के साथ साथ अपनी तैयारी को भी शुरू रखा और मेरी कंटिन्यूटी बनी रही। फिर मैंने आकर के PTET एग्जाम दिया और उसमें मेरा आराम से सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने BEd की। उसी दौरान 2007 की सब इंस्पेक्टर वैकेंसी आई थी, तो वो वैकेंसी का एग्जाम भी मैंने दिया था। चूंकि मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो उस समय मैंने जो मेरे पास अवेलेबल गाइड्स वगैरह थी, मुझे अच्छे से याद है प्रतियोगिता दर्पण की एक गाइड थी और एक विकास की गाइड थी, तो इन दोनों गाइड से मात्र मैंने तैयारी की थी। साथ ही साथ आपको बता दूं कि 2007 तक वो लास्ट एग्जाम था जिसमें जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो ऑब्जेक्टिव न होकर के रिटर्न होता था, जिसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी लिखना होता था। तो वो एग्जाम मैंने जब दिया, 2 महीने की तैयारी करके वो मैंने एग्जाम दिया था और उस एग्जाम में मेरा रिटर्न क्लियर हो गया था, मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो वो एग्जाम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने वाला था। इसका कारण यह था कि हमारे साथ में जहां हॉस्टल में पढ़ता था जालौर, उस समय जो हमारे आसपास के साथी और सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करते थे, कई जनों ने जयपुर जाकर के कोचिंग तक ली थी और उनका किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था और मेरा सिलेक्शन रिटर्न में हो गया था, यानी मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो कारण मेरा आत्मविश्वास काफी मजबूत हुआ और फिर कभी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दुगुनी उत्साह दुगुनी ताकत के साथ मैंने तैयारी की। इससे आगे के सफर पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।